बसमिल्लाबर मैं जी नाजीन आप देख रहे हैं गुडनेस न्यूज टी वी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी आज आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखेंगे जी एक वाक़ पेश आया सत्याना रोड मेन सत्याना रोड के ऊपर चक नंबर पचहत्तर यानी चक नंबर जी सेवेंटी फाइव मेन सत्याना रोड के ऊपर पाँच अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं दो बच्चों समेत और एक, एक साल बच्चा जहाँ बाग भी हुआ है मौका पर नाजरीन ये वन वन टू टू की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं कि पाँच अफराद एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे जिन में एक शख़्स जो कि मोहम्मद ख़ान नाम का ये मोटरसाइकिल को चला रहा था दो खातन उसके साथ थी एक खातून उसकी बीवी थी जिसका नाम है रेहाना जोजा मोहम्मद खान दूसरी खातून उसकी वालदा होगी या मतलब कोई भी हो सकती है हलीमा जोजा अलादिता उमर इसकी तकरीबन पचपन साल और जो मोहम्मद खान साहब हैं इनकी उम्र तकरीबन पैंतीस साल और उनकी मिसेज़ रेहाना की उम्र तकरीबन तीस साल दो बच्चे हैं इनके यानी मोहम्मद खान के दो बच्चे हैं एक बच्चे की उम्र एक साल मैंने बताया जो कि मौका पर फोतो हो गया और एक जो बच्चा है जनाब उसकी उम्र है चार साल जो कि ज़ख्मी हुआ है यानी बाकी भी सारे लोग जख्मी हुए हैं हलीमा बीबी भी ज़ख्मी हुई है रेहाना जो उसकी वाइफ है वो भी ज़ख्मी हुई है तो नाजरीन जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं आपको मज़ीद डिटेल बता देता हूँ और एक थोड़ा सा तज् भी आपके सामने रखते हैं नाजरें ये पाँच अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर सवार यानी दो बच्चों समेत दो खातन ज़ाहिर है बैठ जाते हैं आसानी से तीन लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाते हैं साथ में दो बच्चे थे अब अलमिया ये हुआ कि जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है साथ में बंदा साँप सूख के बैठ ही जाता है दो खातन थी तो जब ये वाक़ पेश आया तो इनको पीछे से जो हाइस होती है वैन होती है उसने हिट किया है यानी मोटरसाइकिल को हाइस वैन ने हिट किया और ये पाँच के पाँच अफराद जो हैं ये मोटरसाइकिल पे जब सवार हैं तो ये गिर पड़ते हैं और ये जाहिर है जब इंसान पीछे से स्पीड से गाड़ी आ रही हो या ख़ुद भी स्पीड से हो तो जाहिर है ना भी स्पीड से हो तो जब पीछे से कोई शदीद हादसा मतलब एक धचका लगे या कोई ऐसी गाड़ी हिट करे हालांकि बड़ी गाड़ी है हाईएस आई अपना जो सॉरी हाईएस है बड़ी गाड़ी है मतलब जी इसने हिट किया तो उसकी वजह से ये हादसा हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में एक बच्चा एक साल का जो मौका पर जामाक और बाकी अफराद जो चारों के चारों छोटा चार साल बच्चा समेत जो जख्मी हैं इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है ये फैसलाबाद पचहत्तर चक नंबर पचहत्तर मेन सत्याना रोड का वाक़ है और जे रहने वाले थे चक नंबर चार सौ उन्नीस जी बी लूणे वाला यानी लूने वाला के ये रहने वाले थे मोहम्मद ख़ान और इनकी फैमिली ये लूणे वाला चार सौ उन्नीस के रहने वाले थे और इनको ये वाक़ पेश है चाक नंबर पचहत्तर मेन सत्यना रोड के ऊपर तो ये अफसोसनाक वाक्य हमने आपसे शेयर किया नाजीन अब मैं इसकी जो रीज़न और इसके ऊपर जो हमारा एक तज् वो मैं आपके सामने रख दूँ कि पाँच अफराद यानी जब भी आप कोई मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करें तो कोशिश करें कि थोड़े से थोड़े अफराद बैठें दो बैठें एक बंदा बैठे या ज़्याद ज़्यादा से ज़्यादा ज़्याद दो बैठ जाएँ जब भी आप तीन लोग बैठें तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर सफ़र करें तीसरी बात यह है कि नाजन जब हम तीन लोग बैठें और साथ में बच्चे भी बिठा लें तो फिर ये रिस्क बड़ा हो जाता है ये मिस्टेक्स हम कर लेते हैं हम भी कर लेते हैं पाकिस्तान में चूंकि थोड़े हालात पाकिस्तानियों के टाइट होते हैं तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर ही इतने लोगों को बैठाना उनकी मजबूरी बन जाती है तो जैसे ही आप इतने अफराद को बच्चों समेत चार पांच अफराद को मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं तो ये खुदा न खास्ता जब हादसा होता है तो उसमें जो अमवात के या हादसे के चानस हैं चलो हादसे के चानस ज़्यादा ना भी हो लेकिन खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए तो उसमें जो मुतासरा होने के मतलब इम्कान होते हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर है पाँच लोग बैठे हैं तो पाँच ही को हादसा होगा चोट लगेगी जख्मी होंगे लेकिन अगर दो लोग बैठे तो दो ही ज़ख्मी होंगे तो ये एहतियात की ज़रूरत होती है कि मोटरसाइकिल के ऊपर जब भी आप सफ़र करें तो इसके ऊपर कम से कम लोग बैठ कर सफ़र करें अगर आप बड़े लोग कर रहे हैं तो बच्चों के हवाले से थोड़ा सा महतात हो जाएँ कि बच्चों को कम बिठाएँ साथ लेकिन अगर मजबूरी भी है तो फिर भी कोशिश करें कि आप सेफ़ तरीके से जो है वो कोशिश करें बचने की क्योंकि हम तदबीरी कर सकते हैं तदबीरी आपको बता सकते हैं कि इस हवाले से बचा जाए जितना भी बचा जा सकता है फोटेज मैंने आपको दिखाई है जितनी कम दिखा सकते हैं ख़वान भी हैं ज़्यादा यूट्यूब पर हम कोई ऐसी चीज़ दिखा भी नहीं सकते जो कि ज़्यादा देखने में महसूस हो तो नाज्रीन ये अफसोसनाक वाक़ लपाको सबरे जमील दे बचा था वो जो छोटा जहाँ बक हुआ है और जख्मी हैं तो बहरल ऐसे हादसा से जो हादसा हैं इनसे बचने के हवाले से मैंने आपको एक मशुरा तन बताया है कि कम से कम लोग बैठें और ख़ास तौर पर बच्चों को ना बिठाएँ साथ तो बहरल अल्लाह पाक सबर दे और नाज्रीन दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पीछे से आने वाला है जो ड्राइवर हज़रा हैं हमारे आजकल कल धुंध का मसला भी है तो लेकिन उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी स्पीड को कम रखें ताकि ऐसे वाक़ ना हों क्योंकि जान इंसान की बड़ी कीमती होती है तो इसलिए हर शख्स का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की जान का बल्कि माल का भी ख्याल रखें तो महाराज ये तो जान है तो बहर पाक सब्र अजर भी दे और बचने आइंदा ऐसे हादसा से हमें बचाए इजाज़त दें जी आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी तो हमारी वीडियो शेयर भी कर दें ताकि कोई और जो है वो उसको मैसेज एक मिल जाए और वो आइंदा जो महताज तरीके से सफ़र करे तो इजाज़त दें हमें मैं आपका होस्ट मदनी अल्लाह हाफिज़